भिंड की गोहर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरौना में नूरा कुश्ती में अटकी बरौना पंचायत के रोजगार सहायक दीपेंद्र तोमर की कार्रवाई, अभी तक नहीं हो सकी बर्खास्तगी की कार्रवाई, आखिर क्यों? शिकायतकर्ता के कई बार शिकायत करने के बावजूद और कई बार कई अखबारों में खबर छपने और न्यूज चैनलों में बरौना पंचायत की खबर दिखाई गई, फिर भी रोजगार सहायक पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री दो टूक बोल चुके हैं कि अगर कोई भी खबर अखबार में छपती है तो संबंधित विभाग खबर को संज्ञान में ले और कार्रवाई करे। अभी तक कोई कार्रवाई ना होने से ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार में दोषी रोजगार सहायक सब पर भारी पड़ रहा है, बाकी बौने नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जांच समिति ने रोजगार सहायक के खिलाफ जो जांच की थी वो जांच रिपोर्ट अभी तक जिला पंचायत में अटकी पड़ी है, जबकि इस फाइल को कार्रवाई के लिए जिला पंचायत के दरबार से बाहर भी जाना है। वहीं आपको बता दें कि कल कलेक्ट्रेट के सभागार में योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए थे। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार मौल्य को जिले की समस्याओं को लेकर प्रभारी मंत्री के समक्ष भेजा था। राजकुमार मौल्य के द्वारा जिले की समस्याएं रखी गईं। नेता प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे राजकुमार मौल्य ने जिला पंचायत सीईओ भिंड पर लगाए थे गंभीर आरोप। कुमार मौल्य ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ को जिले के हर पंचायत से चाहिए कमीशन। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार रोजगार सहायक को किसका अभिदान प्राप्त है और किसकी शह पर इसको पूरी कार्रवाई से बचाया जा रहा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि रोजगार सहायक ने अपनी बहाली के लिए प्रचंड बहुमत जुटा लिया है। आज तो जिला पंचायत के बारे में बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात सत्य है, इसके प्रूफ हमारे पास भी हैं कि जो लोग पात्र नहीं है उनको हितग्राही बनाया गया है, उनको आवास दिया गया है, और जो पात्र हैं उनकी सूची में नाम काट दिया गया है, उनके अधिकारी जो अधिकारी उनके नीचे के हैं उनके द्वारा अपात्र घोषित करने के बाद भी उनको पात्र की सूची में करके उनको पेमेंट कर दिया गया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का उदाहरण। और जो जिला पंचायत सीईओ जैसा आप जो बैठे हुए हैं उनकी जो कारनामे हैं वो पूरे भिंड जिले को मालूम है, उनकी बदौलत एक भी जनपद पंचायत कहीं भी सुचारू रूप से सही काम नहीं कर पा रही है। हर जनपद पंचायत से उनको हिस्सा चाहिए, कमीशन चाहिए। अभी एक मामला निकल के आया था कि गोहद में